गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर कंप्यूटर बुक, फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके फोर मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। वॉट इज़ मॉनिटर? मॉनिटर क्या होता है? जो कि हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम किस में देख सकते हैं, वो हमें कौन दिखाता है? मॉनिटर शो करता है। कीबोर्ड, वॉट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड में हम क्या करते हैं? जो भी हमें टाइप करना होता है वो हम किस में करते हैं? कीबोर्ड में हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं। माउस, माउस सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम कंप्यूटर मेन्यू। माउस कंप्यूटर मेन्यू में से आइटम को सिलेक्ट करता है, मींस जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें ओपन करना है, उस आइटम्स को वो सिलेक्ट करता है। कौन? माउस। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, और सीपीयू वो होता है जो हर टाइप की कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। लेट्स मूव अहेड। अदर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के कुछ और डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। Modern computers are not limited to only four devices. Many other devices can be connected with them. अब जो modern computers आए हैं वो क्या हैं? अब ऐसा नहीं कि जो modern computers हैं उनके सिर्फ four ही devices connect हो सकती हैं। अब modern computer में क्या होता है कि एक से ज़्यादा बहुत सारी ऐसी devices हैं जो modern computers में connect की जा सकती हैं। चलिए अब उन डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट डिवाइस इज प्रिंटर। अ प्रिंटर प्रिंट्स द डेटा ऑन द पेपर। जो हमारे पेपर में जो भी डेटा होता है कौन प्रिंट करता है? प्रिंटर। प्रिंटर के यूज से ही हमारा जो जितना भी डेटा होता है वो पेपर पे प्रिंट होता है। एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है, देर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स दैट यू गेट एट रेलवे स्टेशन आर प्रिंटेड यूजिंग प्रिंटर। जो आपको रेलवे स्टेशन पे टिकट्स मिलते हैं वो किसके यूज से प्रिंट किए होते हैं? प्रिंटर के यूज से ही वो प्रिंटेड किए होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ड डिस्क। सो आर नेक्स्ट डिवाइस इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। इट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन द सीपीयू बॉक्स, सो इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। हार्ड डिस्क एक वो डिवाइस है जिसमें हम अपने सारे डेटास को स्टोर रख सकते हैं। हार्ड डिस्क में हमारे जितने भी डेटाज हैं वो स्टोर रहते हैं, और ये सीपीयू बॉक्स से फिक्स्ड होता है, अटैच होता है। सो इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। तो हम इसको बाहर से नहीं देख सकते क्योंकि ये सीपीयू बॉक्स के अंदर ही फिक्स्ड होता है। फोटोज, मूवीज, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, प्रोग्राम्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। हमारी फोटोज हो गई, मूवीज हो गई, सॉन्ग्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, ये सब हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं। Now let's talk about external hard disk. External hard disk also stores a large amount of data, but it is not fixed inside the computer. It is connected only the computer externally. Means जो अभी हमने hard disk के बारे में पढ़ा, अब यह है external hard disk. ये भी क्या काम करती है? ये भी हमारे data को store रखती है, but ये क्या होते हैं? ये कंप्यूटर में अंदर से फिक्स नहीं होते। हार्ड डिस्क में तो वो अंदर में फिक्स होते हैं अंदर से, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर फिक्स नहीं होती। उसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से, उसको हम बाहर के साइड से भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी ईजली रिमूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड कनेक्टेड टू अदर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है,
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हम किसी भी कंप्यूटर से इजीली रिमूव कर सकते हैं और एक दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क इजीली किसी भी कंप्यूटर से रिमूव हो जाती है और दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है। नाउ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। इट इज़ एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब पेन ड्राइव आपने देखी होगी। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव भी क्या काम करती है? पेन ड्राइव जो है हमारे छोटे छोटे डेटास को स्टोर रखती है, और ये पेन ड्राइव भी हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। पेन ड्राइव इज़ कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पेन ड्राइव ज़्यादातर किस लिए यूज़ की जाती है? हमारे डेटास को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव यूज़ की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव स्टोर्स डेटा ऑन डीवीडी एंड रीड्स इट फ्रॉम देयर। डीवीडी में भी हमारे जो डेटाज होते हैं वो स्टोर रहते हैं। मूवी, सॉन्ग्स, फोटोज एट्सेट्रा कैन बी स्टोर ऑन डीवीडी। डीवीडीज में और क्या क्या स्टोर रहते हैं हमारे? मूवीज, सॉन्ग्स, फोटोज, ये सब हमारे डीवीडी में स्टोर रहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड्स एंड म्यूजिक। स्पीकर्स हम किस लिए यूज करते हैं? म्यूजिक सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए। सॉन्ग्स, म्यूजिक, स्पीच एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल कैन बी हियर्ड ऑन कंप्यूटर बाय कनेक्टिंग स्पीकर्स ऑन इट। इन स्पीकर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम स्पीच सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन प्रोवाइड्स ऑडियो इनपुट टू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन जो है वो कंप्यूटर को एक ऑडियो प्रोवाइड करता है। माइक्रोफोन्स कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस और टॉकिंग टू अदर पीपल ऑन कंप्यूटर। माइक्रोफोन ज़्यादातर हम किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कंप्यूटर पर हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से बात करने के लिए माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, और वॉइस को रिकॉर्ड भी करने के लिए हम माइक्रोफोन ही यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द वेब कैमरा। कैमरा आपने सुना होगा, हमारे मोबाइल्स में कैमरा होता है जिसे हम फोटो क्लिक करते हैं। कंप्यूटर में हम कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं? वेब कैमरा। वेब कैमरा इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर फॉर विजुअल इनपुट। वेब कैमरा कंप्यूटर से को इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो विजुअल हो। हम अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो कॉल करते हैं, उसमें हम सामने वाले पर्सन को देख सकते हैं। कंप्यूटर में हम किसके थ्रू सामने वाले पर्सन को देख सकते हैं? वेब कैमरा के थ्रू। सो वेब कैमरा ज़्यादातर यूज़ ही इसलिए किए जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कैनर। अब हमारी नेक्स्ट डिवाइस क्या आ जाती है? स्कैनर। अ स्कैनर स्कैन्स द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर्स देम इन कंप्यूटर। स्कैनर क्या करता है? जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर रखता है। फोटोज, ड्राइंग, मैप्स, लेटर्स एट्सेट्रा कैन बी स्कैन्ड बाय स्कैनर एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ये सब स्कैनर द्वारा स्कैन किए जाते हैं, फोटोज, ड्राइंग्स जो होती हैं, और उसको कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक का क्या यूज़ है, क्यों हम जॉयस्टिक यूज़ होती है, अब हम देखेंगे। द जॉयस्टिक इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जो जितने भी आप कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं वो किसके हेल्प से खेलते हैं? जॉयस्टिक के यूज़ से। जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए ही यूज़ की जाती है। जॉयस्टिक हैंडल मूव्स शिप। ये जॉयस्टिक का जो हैंडल होता है वो किस लिए यूज़ होता है? हमारे गेम्स में जो एयरप्लेन्स होते हैं, कार्स होती हैं, वो सब मूव किस किस वजह से मूव हो सब पाती हैं? जॉयस्टिक के हैंडल की वजह से वह मूव करती हैं। और जो आपके गेम्स में गन्स वाले गेम होते हैं उनको जॉयस्टिक के हैंडल से ही हम फायर कर सकते हैं और बटन्स को शूट कर सकते हैं।
Now let's come to the barcode reader. Barcode reader reads coded information. Now let's come to barcode reader. Barcode reader reads coded information from the barcodes that are printed on the products. Barcode reader क्या करता है, जो हम products खरीदते हैं market से, उनके पीछे एक barcode होता है, black and white lines, उसमें black lines बनी होती है white के ऊपर, वो क्या होता है, barcode. Barcode reader उस barcodes को read करता है, उसकी उससे information लेकर उसे read करता है. Now let's come to other uses of computer. अब हम इसमें computer के और क्या क्या use होते हैं वो पढ़ेंगे, वो discuss करेंगे. Computer is a useful device. It is used for doing wide variety of tasks. Computer is used at different places for doing different tasks. Computer एक बहुत ज़्यादा useful device है. कंप्यूटर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टास्क करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. लेट्स डिस्कस देयर डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन शॉप्स. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इन शॉप्स? इन शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स कंप्यूटर इज़ यूज़ फॉर जनरेटिंग बिल्स of the items that customers buy. जो भी customer कोई भी item purchase करता है shop से या store से, उन सब की billing किसके through होती है? Computer के through. Computer इन सब की billings के काम आता है. In hospitals, अब hospitals में computers के क्या use हैं वो पढ़ेंगे. In hospitals डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर डायग्नोजिंग इलनेस ऑफ द पेशेंट्स. पेशेंट्स मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस. मेडिकल बिल्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर. हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट की बीमारी का कैसे पता लगाते हैं, उनके सिम्टम्स का देख के कैसे पता लगाते हैं? कंप्यूटर के थ्रू. कंप्यूटर का यूज़ करके ही वह डॉक्टर्स पेशेंट की बीमारी का पता लगाते हैं. और कंप्यूटर के यूज़ हॉस्पिटल्स में ये होते हैं, जो भी पेशेंट्स की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं वो सब कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होती है. किस लिए? फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में हम उसको देख सकें, उन रिपोर्ट्स को, ताकि वो फ्यूचर में भी सेव रहें, रिकॉर्ड रहेंगी तो वो फ्यूचर्स में भी उन्हें देख सकते हैं. मेडिकल बिल्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर. मेडिकल बिल्स भी कंप्यूटर के थ्रू ही बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं. नाउ विल डिस्कस द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स. इन बैंक्स मनी डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल आर डन थ्रू कंप्यूटर्स इन बैंक. एट द एंड ऑफ द डे reports are generated and printed through computers. Bank में हम money deposit करते हैं और withdrawal करते हैं, वो किसके through करते हैं? ये सब किसके through हो पाता है? Computers के through. At the end of the day, और day के end में जो भी reports होती हैं वो सब computer के through printed होती हैं, print की जाती हैं. Now What are the uses of computers in schools? Schools में computer के क्या uses होते हैं? Let's see. In schools, computers are used for learning subjects like mathematics, English, history, geography, etc. Timetables, examination results, and mark sheets
आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर्स। स्कूल्स में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स सीखने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टाइम टेबल्स जो होते हैं, बच्चों के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स होते हैं, मार्कशीट्स होती है आप लोगों की, वो सब कंप्यूटर के यूज़ से ही प्रिपेयर की जाती है। नाउ इन ऑफिसेज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिसेज, लेट्स रीड। इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। Employees' attendance and their personal details like their names, addresses, telephone numbers, etc. are maintained in computer. Offices में computer का use letters लिखने के लिए, reports prepare करने के लिए किया जाता है। Employees की जो attendance होती है, उनके सारी personal details जो होती है, जैसे कि उनके names, उनके address, उनके telephone numbers, ये सब कंप्यूटर में ही मेंटेन किए जाते हैं। परचेज ऑफ द आइटम्स एंड देयर पेमेंट्स आर ऑल्सो डन यूजिंग कंप्यूटर। जितने भी खरीदी हुई आइटम्स होती है और इनकी पेमेंट्स जो होती हैं, वो सब कंप्यूटर के यूज से ही की जाती हैं। नाउ इन वेदर फॉरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, These days weather forecasting is done using computers. इन दिनों में अब जो weather forecasting होती है, मौसम की भविष्यवाणी, वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। वो सब कंप्यूटर से ही होती है आजकल। The weather forecasting organization predict the weather for coming days. जो आने वाले दिनों में जो मौसम की भविष्यवाणी होती है, वो सब भी इसी वेदर फॉरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले ही प्रेडिक्ट करते हैं। वो ही कंप्यूटर के थ्रू ही पता लगाते हैं कि आने वाले दिनों में, कमिंग डेज में, मौसम कैसा होने वाला है, रेनी होने वाला है, क्लाउडी है, कैसा है। ओके, ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। इन एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री, अब फिल्म इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग में कंप्यूटर के का कैसे यूज होता है। मैनी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दैट वी सी ऑन टेलीविजन आर मेड यूजिंग कंप्यूटर। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो कि हम टेलीविजन पर देखते हैं, वो सब कंप्यूटर के यूज से ही बनाए जाते हैं। कार्टून्स, फिल्म्स एंड एनिमेशंस आर ऑल्सो मेड ऑन कंप्यूटर। जो आप टीवी पर कार्टून्स देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं एनिमेटेड, वो सब कंप्यूटर पे ही बनाई जाती है। इन रेलवेज, अब रेलवेज में कंप्यूटर के क्या यूजेज हैं, लेट्स हैव अ लुक। इन रेलवेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स ऑफ द पैसेंजर इन ट्रेन। रेलवेज टिकट्स एंड रिजर्वेशन charts are also printed through computers. Railways में computer का use ये होता है, जो कि train में जो भी passengers होते हैं, उन सब की tickets की booking computer के through ही की जाती है। और railway tickets and reservation जो charts होते हैं वहाँ पर, वो सब किस computer के द्वारा ही printed होते हैं। computer के थ्रू ही वो सब प्रिंट किए जाते हैं। वहाँ के जो रेलवे चार्ट्स होते हैं, रिजर्वेशन चार्ट्स होते हैं, वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही प्रिंट किए जाते हैं। तो रेलवे में कंप्यूटर के ये यूजेस होते हैं। नाउ देयर आर सम अदर यूजेस ऑफ कंप्यूटर, लेट्स डिस्कस दिस यूजेस। आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर्स फॉर डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, कार्स, एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। अब जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स होते हैं, वो कंप्यूटर को किस लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग्स के लिए, पार्क्स की डिज़ाइनिंग के लिए, ब्रिजेस, पुल जो हमारे होते हैं, उन सब की डिज़ाइनिंग वो कंप्यूटर के यूज़ से करते हैं। फैशन डिज़ाइनर क्लोथ्स की डिज़ाइनिंग के लिए, फैशन डिज़ाइनर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फैशन डिज़ाइनर इनका यूज़ क्यों करते हैं,
क्लोथ्स की डिज़ाइनिंग के लिए फैशन डिज़ाइनर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फैक्ट्रीज में कंप्यूटर का यूज़ क्यों किया जाता है? कंप्यूटर्स इन फैक्ट्रीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम। फैक्ट्रीज में कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तरह के आइटम्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। पब्लिशर यूज कंप्यूटर फॉर प्रिंटिंग बुक्स। पब्लिशर कंप्यूटर का यूज़ बुक्स को प्रिंटिंग करने के लिए, बुक्स को छापने के लिए पब्लिशर कंप्यूटर का यूज़ करता है। कंप्यूटर में ही वो बुक्स को प्रिंट करता है। एट होम कंप्यूटर इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। हमारे घर में कंप्यूटर को कैसे, कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? घरों में हम अपने होम्स में कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए और सॉन्ग सुनने के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज ऑल आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स विच वी हैव लर्न टूडे। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।